बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर एक बड़ी खबर है जो आप देख पा रहे होंगे। शिक्षा विभाग बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक पे आपके जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा और सेवा में सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और ये जो दिनांक आप देख पा रहे हो डेट, ये नोटिफिकेशन जो है वो 13/6/2022 का है, यानी कि 13 जून 2022 का। हम आपको बता दें यहाँ पर जो बात की गई है वो आखिर किस संदर्भ में की गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। मतलब TET के बाद ही जो भी उनकी परीक्षाएं होती हैं वो आप आगे जाते हो। आगे ये कहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष CTET आयोजित होती है, उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा TET अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पर भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने पर विचार करने का जो है वो निर्णय लिया जा सकेगा। इसमें कहते हैं कि चूंकि CTET कराया जा रहा है, इसीलिए अब आगे से जो बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो अब नहीं कराए जाने का निर्णय लिया गया है। हम आपको बता दें, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हो, जब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया है और CTET आपका स्टेट में भी लगता है, जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती PRT UPPRT की बात करें तो आप अगर UPTET पास नहीं भी हैं तो भी आप CTET का सर्टिफिकेट लगा के आ सकते हैं। तो UPTET का तो कोई मतलब भी नहीं हुआ ऐसे में। तो ये चीज़ अभी यहाँ से शुरुआत हुई है, बिहार से शुरुआत हुई है, भविष्य में देखेंगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ। मैं और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।